पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे और जो पाकिस्तान के जो बदख्वाह हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। कोई इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता और अब अगर हम इन दहशतगर्दों को पनाह दें और उनको शील्ड बनाएं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये मुमकिन नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में कोई कानून और आइन से बालातर नहीं, आइन सबसे मुकद्दम है, कोई दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता, दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान के तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। बदकिस्मती से गुज़श्ता 4 साल थर में रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। जो कहते थे कोयले से बिजली नहीं बननी चाहिए, वो पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ थे। थरकोल से अरबों डॉलर की बिजली पैदा होगी, अब वक्त आ गया है सीपैक को पूरी तरह आगे चलाएं। वजीर आजम का थर पार्कर में तकरीब से खिताब, 1650 मेगावाट बिजली के 2 मंसूबों का इफ्तिताह। ऐसे साजिशी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नेगेटिव कमेंट्री करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसका तंकीद का सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही थरकोल का इनिशिएटिव है, यही सीपैक का इनिशिएटिव है। थरकोल की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ थर पार्कर पे काम कर, तो मैं समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो मिलके काम करने का नतीजा है। लोगों की तनकीद का जवाब थरकोल और सी पैक है। साजिशी लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। थरकोल की वजह से थर पार्कर में लोगों को रोजगार के मौके मुयसर आएंगे, मंसूबों की तकमील से तरक्की की मनाजिल तय होंगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर काम कर रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और एंटी करप्शन को इमरान खान के खिलाफ 24 मार्च तक कार्रवाई से रोक दिया। पंजाब पुलिस एफआईए की हद तक हुक्म इम्तनाई वापस। अदालत का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब केसेस की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। नैब वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की जमानत मंसूखी दरखास्त पर फैसला महफूज। डाके के पैसे से अगर कोई जकात देता है तो आप लेने वालों पर जुर्म डाल देंगे। आपने तफ्तीश में स्टेट बैंक का बंदा शामिल ही नहीं किया। स्टेट बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया तो ये केस ही काबिले समाअत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रेजीम की असलियत सामने आ गई। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम के हैंडलर्स सामने आते जा रहे हैं। फॉरेन एजेंट कौन है साबित हो गया। आपकी कठपुतली ने 4 साल इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की। मरियम औरंगजेब की जुल्म खलीलजाद के बयान की मजम्मत। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे तहफ्फुज़ देंगे। निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCP लाहौर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 1990 से 2023 तक तोशाखाना तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म। बगैर पैसे के तहाइफ ले जाने वालों ने अमानत में खयानत की। रिकॉर्ड जिस हालत में भी है सामने लाया जाए। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। पुलिस पर हमले, सियासी कारकुनों की हंगामा आराई और हालिया पुर तशद्दुद वाकयात।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक घंटे बाद, पीटीआई का बायकॉट का ऐलान। मुल्क में अमन अमान की मजमुई सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाकयात पर बहस होगी। फौज और क़यादत के खिलाफ हर्जा सराय की मजम्मती करारदाद भी मंजूर की जाएगी। सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। डमी पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे सियासी बहरान इतना बढ़ जाए कि संभाला ना जा सके। अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। फवाद चौधरी की ललकार। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा आई, पुलिस का जलाओ गहराओ तोड़फोड़। पुलिस हमले में मुलविस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक मजमू तौर पर 316 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त मुख्तलिफ फुटेजेस से अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस। इमरान खान की पेशी के मौके पर तय शुदा SOPs पर अमल ना करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने फ्री कैट को नोटिस जारी करते हुए समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नहल या कलदम करार देना आसान नहीं। सारी मंसूबाबंदी इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए हो रही है, लेकिन ये दीवार PTM पर ही गिरेगी। आज मुश्तरका इजलास में हुकूमत अपने से बड़ी करारदाद लाएगी। मुल्क की बका इलेक्शन में है। शेख रशीद। पूरी कौम को बताना चाहता हूं, एक बड़ा घिनौना प्लान बनाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान को बहुत खतरा है। खुदा ना खासा ये इंतजार ये कोई और तरफ ना ले जाए। खान साहब पहले कह चुके हैं कि ये लोग अब कंट्रोल में नहीं रहे हैं बाहर। 220 मिलियन पाकिस्तानी भेड़ बकरियां नहीं हैं ये। इन्होंने एक लीडर चुना है जो उसके पीछे खड़े हुए हैं। मुल्क इस वक्त खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका। हुकूमत पाकिस्तान को वहां ले आई है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन है। सब इलेक्शन की तैयारी करें। जिसको कौम मुंतखब करे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आ जाए। करोड़ों लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं। अली जैदी। भाम बनाता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे, मेरी बात सुन ले, लिख ले। इलेक्शन होंगे, उन्हीं डेट्स पे होंगे जिन डेट्स को अप्रूव करेगी सुप्रीम कोर्ट, और उसने अप्रूव कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। इंतखाबात जरूर होंगे, सब सियासतदान एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं और इलेक्शन करवा दें। गवर्नर के पास आइन के तहत नजरसानी का कोई अख्तियार नहीं। इसने जो तारीख दे दी वो हतमी है। इलेक्शन कमीशन के कहने पर सिक्योरिटी फराहम करना होगी। सिपा सलार नफरी देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। एतजाज अहसन की मीडिया टॉक। PTI ममनुआ फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी कमेटी के मेंबरान पर जिरह की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर 2022 को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और कमीशन लेने का इल्जाम। साबिक वजीर अला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का मुलजिम को 50-50 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस, ये अवामुन्नास से फ्रॉड का केस नहीं है। नैब ने मुलजिमान का नया जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत ने साद रफीक और सलमान रफीक की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। इन्होंने कहा कि आरओस के जरिए हमने रिजल्ट चेंज किए, रिकाउंटिंग में रिजल्ट चेंज किए। एक और आरओ है, उसके घर तक गए जमात इस्लामी वाले। जिस दिन पेशी होती है उसके घर पे रात में पहुंच जाते हैं, उसके बच्चों को खौफजदा करते हैं, उसको डराते हैं कि स्टेटमेंट हमारी मर्जी का। तो जहां जहां रिकाउंटिंग हुई है वहां हंगामे किसने किए? इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता, ऑर्डर कर देता,
जमात इस्लामी की इन ख्वाहिश के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक रिकाउंटिंग करा देता, बात खत्म हो जाती। कराची बलदियाती इंतखाबात पर उठने वाले एतराजात पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी वाले आरओ के घर तक जाते हैं और कहते हैं हमारी मर्जी का फैसला दो, इलेक्शन कमीशन इनके मुताबिक रिकाउंटिंग करवा देता तो बात खत्म हो जाती। कराची टोल प्लाजा क्रॉस करके इनकी अक्सरियत कहां दफन हो गई? सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का आज पिशावर में इजलास, चांद आज नजर आने का इम्कान। पहला रोजा आज जुमेरात को मुतवक के माहरीन फलकियात की पेशगोई, सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा 23 मार्च को होगा। IMF पाकिस्तान के पेशगी इकदाम से तहाल गैर मुतमाइन, शरह सूद में इजाफे के लिए दबाव, IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल के लिए शरह सूद मजीद 2% बढ़ने का इम्कान। स्टेट बैंक 4 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शरह सूद का जायजा लेगा। जमीन लरज उठी, मुल्क के कई शहरों में जलजला, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में शदीद झटके। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बच्चियों समेत 9 अफराद जान बहक, 56 जख्मी। मुख्तलिफ अजला में 26 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, PDMA की रिपोर्ट। जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड, गहराई 180 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान, भारत, तुर्कमानिस्तान, काजिकस्तान, ताजिकस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म का जलजले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, मुतासर खानदानों से इजहार तासियत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम की जाएं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने अपने इलाकों में फौरी इकदाम की हिदायत। अल्लाह का शुक्र है कि जलजले से कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। शहबाज शरीफ।